से जगजीवन स्टेडियम खगौल में जूनियर क्रिकेट लीग आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर की 28 टीमों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन कन्वेनर धनंजय कुमार ने बताया कि इस क्रिकेट लीग का उद्देश्य प्रतिभाशील खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। जूनियर डिवीजन में कुल हम लोग के यहाँ 28 टीम की एंट्री हुई, 28 टीम फॉर्म ले गए, तो 28 टीम को हम लोग इस बार सोचे हैं कि सारा मास्टर क्रिकेट पर करवाएंगे। आने वाले भविष्य में बिहार के बच्चे का बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ टैलेंट बढ़ी हुई है। बस हम लोग को हर मैच में देखना है कि कौन लड़के अच्छा खेल रहे हैं, इसी अनुसार हमको आगे टीम बिल्डअप करेंगे। जगजीवन स्टेडियम के प्रशिक्षक और संचालक निशांत मोहन ने कहा कि सरकार को प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की सुविधा और मौका प्रदान करना चाहिए, जिससे खिलाड़ी प्रदेश का नाम देश दुनिया में रोशन कर सके। हमारे यहाँ के ईशान किशन और हमारे यहाँ के बड़े बड़े क्रिकेटर जो भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा नाम कर रहे हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म से होकर के बच्चे गुजरते हैं। और खास करके जूनियर डिवीजन जो जूनियर क्रिकेटर होते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप होता है ये, और यहीं से बच्चे ग्रूम होकर के आगे जाते हैं और बड़ा नाम करते हैं देश के लिए, तो एक इसका अच्छा है। मालूम हो कि देश के प्रधानमंत्री युवा छात्र छात्राओं को खेलों में भाग लेने को प्रोत्साहन देते हैं, जिस कारण खेलों में पिछले 2-3 सालों से सफलताओं की झड़ी लग गई है। आज पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी सामाजिक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि युवाओं का मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास हो सके। दानापुर से आनंद प्रकाश ओझा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज गंगा दशहरा का पर्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर लोग गंगा स्नान करते हैं।